नमस्कार दोस्तों, गन्ने की फसल जब पीली पड़ के सूखने लगती है तो समझ जाओ कि फसल में लाल सरण रोग हो चुका है। लाल सरण रोग सिर्फ एक रोग नहीं है जिसको किसी दवा या किसी जैविक तरीके से ठीक किया जा सके। ये किसानों के लिए खतरे की घंटी के समान है, क्योंकि ये रोग पूरी फसल को संक्रमित कर उसे खराब कर सकती है और नतीजा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये रोग कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम कवक के कारण गन्ने की फसल में फैलता है। रोग का संक्रमण गन्ने के जड़ से लेकर ऊपरी भाग तक रहता है। इस रोग के कारण गन्ने के उत्पादन में भी कमी आती है और साथ ही बाजारों में उपज का भी कम भाव मिलता है। रोग के कवक आमतौर पर मिट्टी एवं संक्रमित बीज से फैलते हैं। इसके अतिरिक्त ये कवक हवा और बारिश के कारण भी फैल सकते हैं। इस रोग को यदि गन्नों के लिए कैंसर कहे तो ये गलत नहीं होगा। आप किसानों से अनुरोध है कि इस वीडियो के जरिए लाल सरण रोग के लक्षण के बारे में जानकर एवं रोकथाम के उपाय को अपनाकर गन्ने की फसल को इस रोग के संक्रमण से दूर करें। लाल सरण रोग के लक्षण: गन्ने की ऊपरी पत्तियां का रंग पीले पड़ने लगता है। पत्तियों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों के मध्य भाग पर लाल रंग की धारियां उभरने लगती है। गन्ने को बीज से चिरने पर तने के भीतरी भाग में लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और सिरके और अल्कोहल जैसी महक आती है। संक्रमण तीव्र होने पर रुगाड़ुओं का समूह पोरियों पर दिखाई देता है। पौधों का रंग फीका पड़कर सूखने लगता है। रोकथाम के उपाय के बारे में: संक्रमित खेत में गन्ने की फसल की बुवाई ना करें। फसल चक्र अपनाएं, जिनमें आप एक फसल धान और दूसरी किसी अन्य फसल का चुनाव कर सकते हैं। अगर संभव हो तो हरी खाद को किसी भी एक फसल के तौर पर जरूर लगाएं। संक्रमित खेत का पानी बहाकर दूसरे खेत में ना जाए, इसलिए खेत की मेड़बंदी करें। बुवाई करने से पहले गन्ने के टुकड़ों को 20 मिनट तक 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बनडाइजम 50% WP में भिगोकर रखें और उसके बाद बुवाई करें। संक्रमित पौधों को उखाड़कर खेत के बाहर नष्ट कर दें। उखाड़े गए पौधों के स्थान पर 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लगाकर मिट्टी से ढक दें। रासायनिक तरीके द्वारा रोकथाम के लिए एजॉक्सिस्टोरोबिन 18.2% और डेफिनोक्नोजल 11.4% SC का छिड़काव 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ करें। गन्ने की फसल में लगने वाले अन्य रोगों एवं नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइए और फसल में लगे रोग की पहचान करने के लिए फसल की फोटो क्लिक करके देहात किसान ऐप के जरिए विशेषज्ञों को भेजकर रोगों का पता लगा सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर हमारा देहात किसान ऐप डाउनलोड करें और देहात से जुड़िए। देहात का हाथ किसानों के साथ। धन्यवाद।